हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल आपकी मिनी। आज हम एक बार फिर हाजिर हैं आप सब के सामने एक नया जॉब अपडेट्स का वीडियो लेकर। तो ये जो जॉब अपडेट है ये दो डिफरेंट कंपनीज से आई हैं। बहुत सारी ओपनिंग्स हैं यहाँ पर, हर एक कंपनी से थ्री डिफरेंट जॉब ओपनिंग्स हैं। पहली कंपनी का नाम है नेक्स्ट वेव, दूसरा है यॉकिट। दोनों ही कंपनीज अपनी फील्ड में बहुत अच्छे स्टार्टअप्स हैं आज की डेट में एंड काफ़ी अच्छा ग्रो भी कर रहे हैं। प्लस ये अपने एम्प्लॉयज़ को भी खुश रखते हैं। अभी खुश कैसे रखते हैं? अच्छी सैलरी पे करके। ग्रोथ भी अच्छा है तो सैलरी भी काफ़ी अच्छा है। उसके अलावा अगर आप यहाँ सेलेक्ट होते हो तो काफ़ी सारे आपको पर्क्स एंड बेनिफिट्स मिलेंगे, जिसकी बात हम आगे वीडियो में करने वाले हैं। उसके अलावा एक बेस्ट चीज़ ये है कि आप अपनी लोकल लैंग्वेज में भी काम कर सकते हैं। अगर आपको हिंदी आती है, मराठी आती है, गुजराती आती है और काफ़ी सारी अदर लैंग्वेजेस भी हैं, कन्नडा, तेलुगु, तो ये सारा कुछ आप देखना है आपको। एंड अगर जिस भी लोकल लैंग्वेज में आप काम करना चाहते हो आप उसमें क्लिक करके वहाँ पर जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं। तो रोल्स के बारे में हम डिटेल में समझेंगे। फ्रेशर्स एक्सपीरियंस दोनों ही यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। एंड लैपटॉप वाईफाई का इन्होंने एज सच बोला नहीं है कि हमको लैपटॉप चाहिए इतना कॉन्फ़िगरेशन का चाहिए। तो अगर कहीं पे भी इन्होंने स्पेसिफाई नहीं किया है, इसका मतलब है अगर लैपटॉप की या तो लैपटॉप की ज़रूरत नहीं है, अगर ज़रूरत है तो वो कंपनी आपको प्रोवाइड करेगी। जॉब अपडेट में आगे बढ़ने से पहले थैंक यू सो मच उन सारे लोगों को जिन्होंने मेरी लास्ट वीडियो का रिवर्ट दिया था, रिप्लाई किया था, क्योंकि लास्ट वीडियो में जो हमने एक स्पेशल वीडियो बनाई थी अर्न ऑनलाइन मनी, क्योंकि काफ़ी सारा मैंने देखा है, काफ़ी सारे लोग इंटरेस्टेड होते हैं जिनको ऐप से पैसा कमाना होता है, जिनको कॉपी पेस्ट करके, लेकिन उनको कभी पैसे नहीं मिलते हैं। तो अगर आपको अपना ही काम करना है, अपने तरीके से करना है, तो ऐप्स में टाइम वेस्ट मत करिए। मैंने आपको एक बहुत अच्छा तरीका बताया था, गूगल न्यूज़ एंड कुछ वेबसाइट्स की बताया था, उनको कैसे आप यूज़ करके काफ़ी अच्छा अर्न कर सकते हैं। उसका पार्ट टू की डिमांड काफ़ी हुई है, कुछ लोगों ने कमेंट भी किया है यूट्यूब में एंड काफ़ी सारे लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पे भी बोला है। तो उसका पार्ट टू आपको जल्दी मिलेगा, 100% श्योर कि आपको संडे को मिल जाएगा, बट मैं कोशिश करूँगी कि आपको संडे से पहले मिले। आपको खुद पता है मैं एक वर्क फ्रॉम होम जॉब करती हूँ तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है इस टाइप की जॉब्स जिसमें रिसर्च ज़्यादा लगती है वो वीकडेज़ में बनाना। तो वीकेंड्स में क्या होता है, पूरा दिन खाली है तो मैं कभी भी बनाकर अपलोड करके आपके सामने प्रेजेंट कर सकती हूँ। तो 100% गारंटी है कि वो संडे को तो अपलोड होगा ही, बट कोशिश पूरी रहेगी कि वो संडे से पहले अपलोड हो जाए। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर आप अभी भी चैनल पर नए हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हैं चैनल पर ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी हैं एंड अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए, सो दैट हम नेक्स्ट टाइम जब भी ये इस टाइप की जॉब अपडेट्स या जेन्युइन टिप्स एंड ट्रिक्स आपके साथ शेयर करते हैं तो वो आप मिस ना करें। एंड बेल आइकन पे हिट करने से क्या होगा कि जब भी हमारा कोई नया वीडियो आउट होगा आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा। तो अगर जेन्युइन लगता है ये यूट्यूब चैनल तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि ये नया चैनल है एंड इट नीड्स लिटिल बिट ऑफ सपोर्ट ऑल्सो, सो शो योर सपोर्ट एंड सब्सक्राइब। चलिए आगे बढ़ते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक्स दिए हैं, पहला लिंक होगा नेक्स्ट वेव की जॉब ओपनिंग्स का, दूसरे में लिंक्स होंगे यॉकिट्स की जॉब ओपनिंग्स का। तो कंफ्यूज नहीं होना है, ध्यान से लिंक्स को क्लिक करना है। हम चलते हैं हमारे डिस्क्रिप्शन में। डिस्क्रिप्शन में जो पहला लिंक होगा वो होगा नेक्स्ट वेव की तरफ से। तो नेक्स्ट वेव में जो पहली जॉब ओपनिंग है वो आई है मार्केट रिसर्च एसोसिएट। तो मार्केट रिसर्च एसोसिएट का बेसिकली जनरली क्या करना है, ये जो डिफरेंट डिफरेंट जॉब पोर्टल्स होते हैं ना, इंडीड, Naukri.com भी एक जॉब पोर्टल है और काफ़ी सारे हैं, Monster.com, अभी और नए नए बनते जा रहे हैं, तो इनसे डेटा कलेक्ट करते हैं और बेसिकली लीड्स जनरेट करना होता है, लीड्स जनरेट करना होता है। आई होप आपको समझ आ गया होगा, कॉलिंग करके आपको लीड्स जनरेट करना होता है। तो देखिए इन्होंने लिखा भी है, पर्सन स्पेसिफिकेशन क्या है, एक्सपीरियंस इन सोर्सिंग फ्रॉम जॉब पोस्टिंग प्लेटफॉर्म्स, मस्ट हैव एक्सेलेंट वर्बल एंड कम्युनिकेशन स्किल्स इन इंग्लिश। इसमें इंग्लिश मांगा है बट अगर आपको थोड़ा बहुत भी आता है आप चलेंगे, मतलब इट्स ओके, ठीक है,
चलेगा इतना। बेसिक एक्सपोजर टू गूगल शीट्स, गूगल शीट्स का इम्पॉर्टेंस बहुत है। आप अगर वर्क फ्रॉम होम जॉब्स ढूंढ रहे हो, गूगल शीट्स नहीं आती है, तो हमने एक प्लेलिस्ट में चैनल, एक प्लेलिस्ट बनाया है अपने चैनल में, वहाँ पर जाकर आप गूगल शीट्स के बारे में बेसिक्स पढ़ सकते हैं कि कहाँ से हम उसको देखते हैं, कैसे हम गूगल शीट्स का यूज़ करते हैं एंड क्या क्या थोड़े थोड़े कुछ कुछ चीज़ें बताइए कि कैसे वो फार्मूला बार, वो जो फंक्शंस दिए होते हैं वो कैसे काम करते हैं। तो आप वहाँ पर जाकर एक थोड़ा सा ओवरव्यू ले सकते हैं। हमारे ही चैनल में प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहाँ पर एक डेडिकेटेड प्लेलिस्ट बनी हुई है गूगल शीट्स ट्यूटोरियल इन हिंदी, तो वहाँ से जाकर आप गूगल शीट सीख लीजिए क्योंकि हर किसी में ज़रूरी होता है। हैंड ऑन एक्सपीरियंस होना चाहिए कंप्यूटर का एंड एबिलिटी टू डू मल्टीटास्किंग, ये सारा कुछ है जो वो मांग रहे हैं कैंडिडेट से। हमको देखना है जॉब रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। यू विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रिंगिंग न्यू हायरिंग पार्टनर्स, नई कंपनीज या नए हायरिंग पार्टनर्स को देखना है आपको, जो प्लेसमेंट सपोर्ट टीम में हेल्प करेंगे, राइट, जिनको हम प्लेसमेंट सपोर्ट टीम में जोड़ सकते हैं। जनरेट एंड क्वालिफाई आउटबाउंड कॉल्स, मतलब आपको खुद से कॉल करना पड़ेगा। एंड ये क्या है, मैनेज आउटबाउंड लीड जनरेशंस, तो जहाँ पे भी आपको लीड्स जनरेट करने पड़ेंगे आपको अपना ध्यान पूरा पूरा रखना पड़ेगा, लिंक्डइन पर ईमेल कैंपेनिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। तो बेसिकली आपको क्या करना है, आपको कोशिश करनी है ज़्यादा से ज़्यादा लीड्स जनरेट करने की। ये सारा कुछ आपको वो ऑलरेडी सिखाएंगे। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है वेल एंड गुड, नहीं है तो कोई बात नहीं, ये 3 मंथ्स का इंटर्नशिप है, तो 3 महीने में आप अच्छे से ये काम सीखेंगे। अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा होता है तो ये आपको फुल टाइम अपॉर्चुनिटी भी देंगे, गारंटीड देंगे, यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है, ठीक है। तो अगर आप 3 मंथ्स की इंटर्नशिप है, मतलब एक तरीके से आपको ये सिखाएंगे भी, और अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा होता है 3 मंथ्स में, तो ये आपको फुल टाइम भी हायर कर लेंगे। नेक्स्ट वेव मैं बता दूं, ये एक एडटेक कंपनी है, एक एडटेक स्टार्टअप है जो काफ़ी ग्रो कर रहा है, ठीक है। 100% यहाँ से रिवर्ट आएगा, सो प्लीज़ मेक श्योर कि आप यहाँ पर अप्लाई कर दें। जो दूसरी जॉब अपडेट आई है नेक्स्ट वेव से ही, वो है बिजनेस डेवलपमेंट एसोसिएट प्री सेल्स। अभी प्री सेल्स क्या होता है, शॉर्ट में समझ लीजिएगा, सेल्स की टीम को आप सपोर्ट करते हो, मतलब जो कस्टमर्स हैं उनको बोलेंगे आप कि आप डेमो बुक कर लीजिए, या आपको डेमो बुक करने पड़ सकते हैं, ये सारी चीज़ें जो प्री सेल्स में होती हैं वो आपको करनी है। हम एक देख लेते हैं कि इसमें क्या जॉब रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। ओके, आउटबाउंड कॉल्स करनी पड़ सकती है, जनरेटिंग सेल्स क्वालिफाइड लीड्स, आस्क पर्टिनेंट क्वेश्चंस टू अंडरस्टैंड द लीड एंड नज देम फॉरवर्ड, मेंटेनिंग अ डिटेल्ड डेटाबेस। आपको ऑब्वियसली आप जिन जिन कस्टमर से बात करोगे तो उनका डेटाबेस रिकॉर्ड मेंटेन करने पड़ेंगे, अगेन गूगल शीट्स का यूज़ होएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको फॉलो अप्स लेने पड़ेंगे, कोल्ड कॉलिंग्स करनी पड़ेगी, लीड्स को क्वालिफाई करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें अगर आपके लिए नई है तो ये आप सीख जाएंगे, क्योंकि इन्होंने बोला है या तो आप फ्रेशर हो या फिर आप एक्सपीरियंस्ड हो, दोनों ही यहाँ पर एलिजिबल है, ठीक है। यहाँ पर सेल्स जो आपका सैलरी होगा, सॉरी, वो 3 LPA तक होगा एंड परफॉर्मेंस बेस्ड आपको इंसेंटिव भी मिलेगा, राइट। सेल्स 3 LPA मतलब अराउंड आपकी स्टार्टिंग हो जाएगी 25,000 से, 25,000 फुल टाइम है, वर्क फ्रॉम होम है, तो इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता है। ये मराठी के लिए है, बाकी अगर आपको मराठी लैंग्वेज आती है, राइट, और अगर इंग्लिश आता है तो एक एडेड एडवांटेज है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि ये आपकी, आपको इंग्लिश नहीं आता है तो आपकी जो एप्लीकेशन है उसको रिजेक्ट कर देंगे, और 6 दिन आपको काम करना है, ठीक है। बाकी आप और भी देख सकते हो, देखिए यहाँ पर तेलुगु में है, उड़िया, तमिल, बंगाली, ओके, कन्नड़ा, मलयालम, बंगाली, गुजराती, यहाँ हिंदी है। तो जितने भी लोग हिंदी में अप्लाई करना चाहते हैं, बिजनेस डेवलपमेंट एसोसिएट प्री सेल्स हिंदी स्पीकिंग, तो आप हिंदी स्पीकिंग में यहाँ पे अप्लाई करना है रिमोट फुल टाइम, ठीक है। जो भी लैंग्वेज है उसके सामने उसी में अप्लाई करना है। अभी जो दूसरा है वो प्रॉपर सेल्स का काम है, हम थोड़ा सा स्क्रोल अप करेंगे, हाँ वन सेकेंड, गलती से खुल गया, ये एसोसिएट सेल्स का जॉब है। सेल्स का जॉब क्लियरली दिया है, सेल्स का जॉब है तो ऑब्वियसली बात है टारगेट्स भी होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर
प्रॉपर सेल्स करना पड़ेगा आपको, अलग अलग लैंग्वेज में निकला है, और आपका CTC यहाँ पर आपका जो सैलरी होगा वो प्री सेल से थोड़ा सा ज़्यादा होगा। आप मान सकते हैं कि आपका स्टार्टिंग सैलरी होगा 30 से 32 हज़ार, और इंसेंटिव्स काफ़ी अच्छा मिलता है। काफ़ी कंपनीज़ ऐसी होती हैं जो पर सेल्स पे आपको इंसेंटिव्स देती हैं, राइट? तो वो डिपेंड करता है, और बाकी स्टार्टिंग सैलरी टोटली डिपेंड करती है आपके क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस एंड इंटरव्यू प्रोसेस पर, ठीक है? तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं या फिर आप एलिजिबल हैं तो आप प्लीज़ अप्लाई कर देना, लेट मत करना। अब हम बात करते हैं दूसरी जॉब। तो जो दूसरी जॉब आई है वो आई है यॉकेट की तरफ से, एंड लिंक्डइन पर क्यों दिखाया है मैंने, क्योंकि ये दोनों ही जेन्युइन जॉब अपडेट्स हैं। लिंक्डइन पर कभी भी फेक जॉब्स नहीं आती हैं, ये आप वो कहते हैं ना हमारे बुंदेलखंडी में, गांठ बांध के रख लीजिए कि इसमें बिल्कुल भी फेक जॉब्स नहीं आती हैं। प्लस आप ये भी देख सकते हो कि ये बिल्कुल फ्रेश जॉब है, फ्रेश जॉब अपडेट है, इनसाइड सेल्स एसोसिएट। तो यॉकेट की तरफ से सिर्फ 19 घंटे ही हुए हैं एंड ज़्यादा एप्लीकेशंस भी नहीं है, तो अच्छी बात ये है कि अगर आप जल्दी अप्लाई कर देंगे तो हाई चांसेस होंगे आपकी रेज्यूम देखा भी जाएगा, प्लस वो शॉर्टलिस्ट भी हो जाएगा। यहाँ पर देख लेते हैं इनसाइड सेल्स का काम क्या होता है। देखिए, आपको काम क्या करना होगा, आप डायरेक्ट सेल्स में इन्वॉल्व होंगे। इंटर्नशिप, अगर आपको थोड़ा बहुत भी एक्सपीरियंस है, कहीं इंटर्नशिप किया है इनसाइड सेल्स में, या फिर 1 ईयर तक का एक्सपीरियंस है, तो वेल एंड गुड, आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आप फ्रेशर भी हो तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इन्होंने लिखा हुआ है फ्रेशर टू 1 ईयर एक्सपीरियंस इन सेल्स, ठीक है? ही एंड शी विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर बिल्डिंग रैपोर्ट विद द रैपो बनाना होगा आपको स्टूडेंट से, उनके पेरेंट्स से। ऑब्वियसली आप जो होंगे वो कंपनी का फेस हो, आप बात कर रहे हो उनसे, तो आपको एक अच्छा इंप्रेशन छोड़ना है कस्टमर या फिर पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स में। नीड्स टू हैव एन अंडरस्टैंडिंग अबाउट स्टूडेंट प्रोफाइल, जिस भी स्टूडेंट से या उनके पेरेंट्स से बात करो उस पर्टिकुलर स्टूडेंट के बारे में आपको पता होना चाहिए, पूरा डेटा आपको पहले से ही प्रोवाइड कर देते हैं। CRM की नॉलेज होना चाहिए, ऑब्वियसली अगर आपने कभी सेल्स का किया है तो आपको अच्छे से पता होगा CRM क्या होता है, बट अगर नहीं पता है, फ्रेशर हैं, तो ये आपको पूरा ट्रेनिंग देते हैं, ठीक है? ओपन टू ट्रैवलिंग के लिए रेडी रहना पड़ेगा, पूरा खर्चा कंपनी उठाती है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो घूमने का शौक है तो आप बिल्कुल इन हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। ओके, ये सारी चीज़ें पढ़ लेना। बाकी स्टार्टिंग सैलरी 3 LPA टू 4 LPA रहेगा, 25,000 से अराउंड 35-40 तक, और अगर आप इंसेंटिव्स मिला के 40-45 आराम से हो जाता है, उससे ज़्यादा ही हो जाता है। आप पर डिपेंड करता है आप सेल्स कैसे कर रहे हो, ठीक है, टारगेट्स पूरे कर रहे हो या नहीं। दूसरा है प्री सेल्स एसोसिएट, सिमिलर पोस्ट पर नेक्स्ट वेव में भी जॉब आया था। प्री सेल्स का काम क्या होता है यहाँ पर समझ लेते हैं डिटेल में। इन्वॉल्व होना है डायरेक्ट सेल्स में, ठीक है, सेम काम है आपको, पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स के साथ रेपो बनाना है, डिफरेंट ओपन टू मेकिंग फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज, गुड टारगेट रिकॉर्ड्स बनाने हैं, और हो सकता है आपको काफ़ी सारे फिजिकल इवेंट्स, सेमिनार्स, वेबिनार्स अटेंड करने पड़े जो सेल्स से रिलेटेड है। यहाँ पर आपको टिप्स एंड ट्रिक्स देते हैं कैसे आपको लोगों को कन्विंस करना है। सेल्स की जॉब वही कर सकता है जिसको बोलना अच्छे से आता हो, बोलना तो सीख भी जाता है, प्लस कन्विंसिंग पावर अच्छी हो, जो लोगों को अपनी बात समझा पाए एंड उनको कन्विंस कर पाए, ठीक है? तो अपने रिज्यूम में जिस भी पोस्ट पर आप अप्लाई कर रहे हो उसमें रिक्वायरमेंट्स देख लेना, रिक्वायरमेंट्स में से ही कोशिश करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा आप रिक्वायरमेंट कवर कर सके। बट अगेन आई वुड से झूठ मत लिखना कुछ भी, ठीक है? जैसे यहाँ पर रिक्वायरमेंट दिया है, आपको एक्सपीरियंस है, आप लिख देना है टेली सेल्स में, बैचलर डिग्री तो ऑब्वियसली आपके पास होगी, ग्रेजुएट्स ही यहाँ पर एलिजिबल हैं, ओके? रिटन एंड वर्बल कम्युनिकेशन स्किल, तो गुड स्किल रिटन स्किल है, इन्होंने ये नहीं बोला है कि इंग्लिश स्किल अच्छी होना चाहिए, समझिएगा, ये नहीं बोला है कि गुड इंग्लिश कम्युनिकेशन या फिर हिंदी, तो लैंग्वेज बोला है ना, कोई भी लैंग्वेज हो सकता है, मतलब आपका लोकल लैंग्वेज अच्छा हो प्लस इंग्लिश इतना हो कि आप कम्युनिकेट कर सकें। Highly organized with excellent attention to details. आप ट्राई कर सकते हो। देखिए, ये मत सोच के रह जाया करो कि यहाँ पर लिखा है excellent written verbal skill, English तो मुझे आता ही नहीं है। ट्राई तो करिए, 2-4 इंटरव्यूज देंगे, आपको ऑलरेडी ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस आ जाएगा, क्योंकि इंटरव्यू के टाइम कॉमन क्वेश्चंस होते हैं जो सारी कंपनीज पूछती है, तो आप प्रैक्टिस कर सकते हो।
ठीक है। और जॉब में अगर आप हायर हो जाते हैं तो आपको मेडिकल इंश्योरेंस मिलेगा, आपकी फैमिली मेम्बर्स को भी मेडिकल इंश्योरेंस मिलेगा, फ्लेक्सिबल वर्किंग टाइमिंग्स मिलेगी। एक तरह से ये आप बॉस हो, आपको जब मन है तब आप काम कर सकते हो, अगर आपके टारगेट्स पूरे हैं। अगर आपको महीने भर का टारगेट मिला है, 15 दिन में ख़त्म कर देते हैं, तो बाकी 15 दिन आपके, राइट। ठीक है, ये सारी चीज़ें पढ़ लेना। लास्ट है BDA, ये भी एक तरह का सेल्स का जॉब है, और यहाँ पर भी यही सारी चीज़ें लिखी हुई है इन्होंने डिट्टो। ठीक है, तो इन्होंने पोजीशंस अलग अलग कर दिए हैं, बट ऑलमोस्ट सेम लिखा है, सैलरी भी ऑलमोस्ट सेम है, 3 LPA to 4 LPA। अगर आप इंटरेस्टेड हैं, इंटरेस्टेड तो मैं नहीं बोलूँगी क्योंकि आप वीडियो तभी देख रहे हो जब आप इंटरेस्टेड हो, तो अगर आप एलिजिबल हैं तो प्लीज़ अप्लाई कर देना है, वेट नहीं करना। एंड आई वुड सजेस्ट, ये यॉकेट में अगर आप सेल्स में करना चाहते हो ना, तो इसको तो बिल्कुल मिस मत करना, जो 19 आवर्स पहले ही आई है, इसको इसमें हाई चांसेस है कि आपको रिवर्ट आएगा, तो प्लीज़ मेक श्योर कि इसको मिस नहीं करना है। बाकी सारे में जॉब सारे जॉब्स में ये लोग एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर रहे हैं अभी, तो आप सब में अप्लाई कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं। बाकी अगर कुछ भी इशू आता है फॉर्म फिल करने में, या फिर कोई भी इशू आता है, कोई शॉर्टलिस्ट हो जाता है इंटरव्यू के टाइम, कुछ इशू आता है या कोई टेस्ट होता है, तो आप हमको इंस्टाग्राम पे पिंग कर सकते हो। इंस्टाग्राम पर क्या होता है कि यहाँ पर यूट्यूब में काफ़ी सारे कॉमेंट्स हो जाते हैं, तो हो सकता है एक दो कॉमेंट मिस हो जाएँ, बट इंस्टाग्राम में एक तो आपको जल्दी रिप्लाई मिलेगा, प्लस आपकी पूरी पूरी हेल्प होगी। तो कोई भी ऐसा शॉर्टलिस्टिंग का आता है कि आपका कोई एग्ज़ाम देना है या फिर आपको इंटरव्यू क्रैक करना है, इंटरव्यू का कॉल आया है, तो डू लेट अस नो, वी विल हेल्प यू। यही था आज का जॉब अपडेट, आई होप आपके लिए बेनिफिशियल होगा। और अगर आपके कोई ऐसे फ्रेंड्स हैं तो प्लीज़ उन फ्रेंड्स के साथ भी इस चैनल शेयर करिए। आई बिलीव कि आपको ये चैनल जेन्युइन लग रहा होगा, सो मेक श्योर कि आप इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके लिए हम बेस्ट से बेस्ट चीज़ ढूंढ कर ला रहे हैं एंड टाइम से ला रहे हैं, तो प्लीज़ अंडरस्टैंड। एंड दैट्स इट फॉर टुडे, मिलेंगे नेक्स्ट जॉब अपडेट में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।